दिल्ली कैपिटल्स, और दिल्ली कैपिटल्स का पहला नाम, आई थिंक अगर एक महीने पहले हम लोग डिस्कस कर दे तो एक नाम उनका फिक्स होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है. ठीक है, ऋषभ पंत इज नॉट देयर. अक्षर पटेल 16.5, कुलदीप यादव 13.25, क्रिस्टन स्टब्स 10 करोड़, अभिषेक पोरेल 4 करोड़. थॉट्स ऑन दिल्ली कैपिटल्स? या आई मीन पंत नहीं होता एज अ बिग सरप्राइज, बट आई गेस जो मुझे समझ में आ रहा है, डिमांड वुड हैव बीन 23+, एंड दिल्ली वुड हैव थॉट थोड़ा प्रैग्मेटिकली कि भाई एक प्लेयर पे इतना खर्चा करना है कि नहीं. सेकंड थिंग थोड़ा वियर्ड है, दिस इज अ टीम दैट शोन ट्रस्ट इन हिम कि भाई विल कीप यू इन द सिस्टम. फिर सेकंड ईयर भी उस समय जब पता नहीं था, कि उस समय किसी को भी नहीं पता था यार कि ही विल बी बैक ऑन हिज फीट इन 1 ईयर, बट येट दे हैड दे ऑलवेज हैड दैट प्रैक्टिकल रूट आउट कि भाई रिलीज कर दो, टेक दैट मनी, यूज इट ऑन सम अदर प्लेयर, बट दे केप्ट एट इट. बट अभी आई मीन 1 ईयर लेटर ही इज नॉट विद द टीम, देर इज नो रेडीमेड कैप्टन इन द रिटेन प्लेयर्स, सो डेली विल नीड अ कैप्टन. बट द थिंग इज आई मीन अक्षर एंड कुलदीप यू आर सॉर्टेड ऑन स्पिन बॉलिंग, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. स्टब्स काफी इम्प्रूव, मतलब इम्प्रूव हर बार इम्प्रूव करते ही जा रहे हैं, तो स्टब्स इज अ वेरी वेरी गुड रिटेंशन. जेक फ्रेजर मगर के आई मीन अब वो करण अर्जुन वाले डिस्कशन के टाइम पर हम आएंगे उस पर वापस, वो भी एक क्वेश्चन एक रहा होगा प्लेयर की भाई इसको रिटेन करना है. वॉर्नर तो आई एम नॉट सरप्राइज कि इज नॉट रिटेन, सेम विथ मिचेल मार्श. मिचेल मार्श की तो खैर इंजरी रिकॉर्ड ही ऐसा है कि रिटेन छोड़ो, अगर वो ऑप्शन में भी पिक होते हैं तो आई बी वेरी सरप्राइज. आई नो शुभ अभी सुन रहा होगा तो वो सोचेगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बट दिस इज वॉट आई थिंक. लास्ट प्लेयर अभिषेक पोरेल, आई मीन वॉट एवर चांस इज बीन गिवन इज डन वेल, एंड 4 करोड़ इज अ बजट पिक, सो इज ऑल्सो कीपर इज वेल, सो मे बी आई मीन दे डोंट नीड टू नेसेसरीली बाय अ कीपर. या और मतलब मुझे इसमें ये प्रॉब्लम लग रहा है, प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यार, ये इज द ऋषभ इज द सेम गाय जिसके लिए तुमने शायद श्रेयस अय्यर को छोड़ा. मतलब जितना नजर में आता है दिल्ली कैपिटल्स, श्रेयस अय्यर को आपने छोड़ा और ऋषभ पंत के साथ टिके रहे, बने रहे, और आप अब आपने ऋषभ पंत को भी छोड़ दिया. व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स? और मैं एक इम्पोर्टेंट, बट मतलब एक चीज है विकास, आई मीन आपने जो क्या बोलूंगा उसको, कि जो जिस लाइन में ये बोला, जरूरी नहीं है कि दिल्ली ने ऋषभ पंत को छोड़ा, इट कैन बी द अदर वे अराउंड एज वेल, कि प्लेयर की डिमांड्स कभी कभी ऐसी हो सकती हैं कि फ्रेंचाइजी को भी लगना चाहिए ना कि भाई ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है. लेकिन इट्स ओके, इट्स 2 मिनट म्यूचुअल. निखिल भाई, आप 2 मिनट वेट ही किए, वेट ही कीजिए. मैं बोल रहा हूँ सुनो यार, 23 करोड़ भी अगर मांग लिया है, मुझे एक बात बताओ, ऋषभ पंत लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इंडियन बैटर, विकेट कीपर, कैप्टन मटेरियल, क्या उसको 23 करोड़ नहीं दे सकते? अगर एसआरएच ऑनरिक क्लासन को 23 करोड़ दे रहे हैं, यार मैं हो ये बोल रहा सकता हूँ है ना तेईस तेईस हाइपोथेटिकली, नहीं मांगा ओके, हो, ये हमको पता नहीं ना कि 23 मांगा हो कितना सकता ही है, तेईस मांगेगा यार मांगे और ऋषभ भाई. 23 बट में यार ये नहीं, ये हम कह मेरे नहीं लिए सकते हैं मुझे दिस लगता है इज ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को छोड़ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्टूपिड मूव, नॉट स्टूपिड बट आई डोंट नो, मुझे मतलब मुझे थोड़ा सा रास नहीं आ रहा है वो बात, क्योंकि यार ऋषभ पंत एक आई थिंक हम लोग जैसे बोलते हैं जनरेशनल मैं टैलेंट. फ्रेंकली बोलूं तो ऐसा नहीं है कि इन T20 he has been a great player, to आई नो आई be नो आई honest. नो लेकिन फिर भी, Great लेकिन छोड़ो, फिर I भी think at this point of time अगर तुम T20 पकड़ोगे तो I don't think he is even among the Indians top 5 players in T20 format right now. तो उतना value for money भी होना चाहिए, मतलब future है, expectation है कि पंत will be able to nail crack this format at some point of time. But the honest truth is that he has not done that so far. He is yet to crack this format. मेरे हिसाब से दिस इज द सीजन, क्योंकि पिछले सीजन आई पर्सनली फेल्ट के वो थोड़ा सा ही वाज रश्ड, कि उसको खिलाओ 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 खिलाओ. मैं मुझे पर्सनली लगता है कि यार वो थोड़ा सा थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई थी उसके साथ, लेकिन दिस इज द सीजन मे बी. बट निखिल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन पंत नॉट बीइंग विद दिल्ली कैपिटल्स? Yeah, I think it's a combination of a lot of things. As you said, उसमें एक बात ये याद रखनी बहुत जरूरी है about the ownership change. I think that has played a very crucial role, because when JSW were there as part of the setup, they were very big on having him as the skipper. But maybe GMR think very, very differently. And maybe अगर again this is pure speculation at this point of time के अगर JSW इस जगह पे होता तो as you said maybe they would have thought on the same lines as you are कि भाई हमारा कैप्टन कीपर पोटेंशियल गाय हु कैन ओपन आल्सो इज सॉर्टेड इन द सेटअप.
सो देन यू कैन गिव हिम एज मच एज यू वांट बिकॉज अगेन अभी के लिए वो पैसा इतना है. इट कैन ऑलवेज बी कंपैरेटिवली जैसे यू नो सम ऑफ द अदर गाइस दैट आर गेटिंग यू कैन ऑलवेज मैनेज दोस प्लेयर्स बेटर. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हैज प्लेड अ पार्ट. रही बात उसके डिमांड की, इट इज वियर्ड टू थिंक दिस, आई फाइंड दिस स्लाइटली सिमिलर टू हाउ राशिद खान वाज फॉर एसआरएच, कि कैसे अगर किसी प्लेयर ने बहुत ज्यादा डिमांड करा है तो हाउ हैज द फ्रेंचाइज नॉट बीइंग एबल टू कम टू अ गुड टर्म्स, के भाई चलो ठीक है ना तेरा ना मेरा इस पे अपन डील फाइनल करते. सो दैट आई फेल्ट वाज समथिंग दैट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो हो जाए, क्योंकि अगर सिर्फ कैप्टनसी मांगी है या कुछ और भी मांगा है कि 30-35 करोड़ मांग लिया तो फिर बात एकदम अलग हो जाएगी कि भाई बहुत ज्यादा मांग रहे हो हमारी इतना नहीं हो पाएगा. तो देन मे बी एंड आई विल स्टिल से यू कांट रूल इट आउट एन आरटीएम. मैं एक थियरी ऐसी भी हो सकती है कि इफ ही वांट्स दैट, इफ ही वांट्स दैट अमाउंट एंड इफ ही गेट्स दैट अमाउंट एंड मे बी ही हैज टॉक्ड विद दिल्ली के अगर इतना अमाउंट में आप तुमको आरटीएम करोगे मेरे को तुम्हें चलेगा. मे बी दैट इज, मे बी दिस इज ऑल जस्ट अ वे टू गेट टू 25 CR, हु नोस. बट गाइज आई हैव अ क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू हियर. ये जो हम बात कर रहे हैं कि किसी प्लेयर को 23 मिल रहे हैं अभी, अब जैसे अगर आप डीसी की बात करो तो 16.5, फिर वो बकेट्स का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर ये वेग ही रखना, व्हाट इज दिस फिगर ऑफ 16.5? तो फिर ये तो रैंडम ही हुआ, कुछ समझ में नहीं आया. किसी भी चीज का नथिंग, इफ देयर इज नथिंग इज सेट इन स्टोन देन व्हाट इज द पॉइंट. एंड मुझे आईपीएल का कभी कभी यही समझ में नहीं आता कि फिर ये रूल्स हैं ही क्यों. या तो फिर आप एक रिटेंशन टोटल बजट पे ही कैप कर दो कि आप इससे ज्यादा रिटेन नहीं कर सकते और इससे कम टोटल बजट का रिटेंशन नहीं कर सकते, एंड देन इट्स अप टू यू हाउ डू यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट. देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस बकेट जो कुछ टीम फॉलो कर रही है, कुछ टीम उसको डिवाइड करके इक्वली 3 प्लेयर्स में बांट रही है और कुछ रैंडम ही कर रहे हैं कि पहला प्लेयर ही 16.5 एंड कोई भी प्लेयर 18 नहीं है. तो इट जस्ट, टू मी इट जस्ट डजंट मेक सेंस. दिस इज, या तो फिर कुछ इंटरनल लिस्टिंग है जो पब्लिकली शेयर नहीं होती कि कुछ ही प्लेयर्स हैं जो 18 करोड़ वाले विंडो में फॉल करेंगे, अक्सर उसमें फॉल नहीं करता. सो यू डोंट रियली नीड टू पे हिम 18, व्हिच इज अगेन अनफेयर. तो थोड़ा ये आई मीन कॉमन सेंस के परे, मुझे लगता है ये सब सिर्फ हम जैसे जो मीडिया हाउसेस है इन लोगों को थोड़ा सा पागल बनाने के लिए, मतलब हम लोग एक्सप्लेनर्स बना लेंगे. मैंने एक्सप्लेनर बनाया यार, मैंने एक्सप्लेनर 18 14 11 18 14, मतलब भाई क्या हो गया ये. और कल से हम वही डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी 6 करोड़ क्यों ले रहा है, ये क्यों ले रहा है, वो क्यों ले रहा है. अगेन लाइक सुमेश सेड कि इसका, इस बकेट्स का कुछ एक्चुअली मतलब नहीं बना. और रैंडमली हमको अक्षर पटेल 16.5 पे दिख रहा है, कुलदीप यादव 13.25 पे दिख रहा है. यार सबसे फनी तो केकेआर है, हम केकेआर पे आएंगे तब बात करेंगे, मतलब वहां तो कुछ भी हुआ है. हाँ वो मैंने अभी एक अनुभव सरकार जो है केकेआर के जो शायद फैन है, केकेआर मैडनेस निकल भाई कोर रिटेन एंड 63 करोड़ लेफ्ट. तुमने तो किसी एक को भी नहीं दिया 14 एंड स्टिल यू हैव रिटेन योर, हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट पॉसिबल? तभी हो सकता है यार. आई मीन देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन देन अ सटल अरेंजमेंट कि भाई सर्टन प्लेयर्स जो हैं, जो तुम्हारे पुराने कैप्टन हैं या जो इंडिया रेगुलर्स हैं, सिर्फ वो ही 18 करोड़ में क्वालिफाई करते हैं, बाकी के लिए 18 देना जरूरी नहीं है. एंड दिस इज अ रूल जो पूरी गाइडलाइन में कहीं नहीं था, ये मन से बनाया हुआ रूल था जो रिवील नहीं किया और बाद में फिर कैसे भी तुमने एडजस्ट कर दिया. तो मैं बोलता हूँ आप आधा अधूरा क्यों रिवील कर रहे हो, बोलो कि 75 करोड़ का तुम्हारे पास बजट है, तुमको 5 रिवील करना है, तुमको 5 रिटेन करना है, करो नहीं करना है मत करो भाई, आराम से रखो पूरा. मतलब 2-3 शोज निकल जाता है, इसमें 18 जाएगा उसमें 14 जाएगा. बट सुनो, जब पहले रूल बना रहे थे ना तो किसी को फोन नहीं किया था, तो रूल बनाने के बाद डाल दिया, फिर सबके फोन आने शुरू हुए कि भाई ये तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है. आपको ये बात याद रखनी, इतने साल आईपीएल ने कभी 2 से ज्यादा ओवरसीज प्लेयर्स अलाउ ही नहीं किए थे फॉर एनी टीम टू रिटेन. दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग. सो देयर वाज क्लियरली आई फील फ्रेंचाइज का इनिशिएटिव के भाई हमको नहीं चाहिए तुम्हारे ब्रैकेट, या तुमने हमसे पूछे नहीं ब्रैकेट के बारे में, क्योंकि हमको नहीं देना. एंड अगेन मेरे हिसाब से द पॉइंट वाज स्टिल नॉट 18, आई थिंक द फोर्थ रिटेशन वाज द ज्यादा वाला सिरदर्द कि भाई 18 14 11 ठीक है, मैं वापस 18 क्यों दूं? तो दैट इज मेरे हिसाब से एक और 18 फिर भी एक बार दे देते कि चल भाई मेरे फ्रेंचाइज का ये चेहरा है, मैं उसको 18 दे दूंगा, बट मैं दूसरा 18 क्यों दूं? तो आई थिंक द बोर्ड ऑल्सो ट्राइड टू बी स्मार्ट के रुको हम तुमसे पैसा निकालेंगे,
पैसा दे तो हम रहे हैं तो जरा हमारे बारे में भी सोचो, हमारे भी सुनो. सो दैट इज वेयर आई थिंक दिस इज द मिडिल ग्राउंड के ना तुम्हारा ना मेरा, इतने में मांडवली करते. चलो थोड़ा सा भागा दौड़ी करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में. दो आरटीएम कर सकते हैं. व्हाट आर योर टू आरटीएम पिक्स फॉर दिल्ली कैपिटल्स? स्टार्ट विद निखिल. आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन द कोच हेमंत बदानी, क्या क्या उनका लुकआउट है. क्योंकि अगर रिकी पॉन्टिंग होता तो अर्जुन डेफिनेटली यहीं पे होता. अर्जुन जाता नहीं, बट अर्जुन मुझे जाते दिख रहा है वहां से, यहाँ से. तो दैट इज समथिंग दैट इज पॉसिबल. मेरे पास एकदम आउटराइज सजेशन भी है, विच कैन बी रियल वर्थ प्रॉपर अपन कम बैक कर सकते हैं, कि श्रेयस कैन कम बैक टू दिल्ली. आई एम नॉट गोइंग टू रूल इट आउट, क्योंकि इट वॉज अंडर जीएमआर ओनली दैट श्रेयस वॉज द कैप्टन. तो इट कुड बी अ होम कमिंग मे बी फॉर श्रेयस सर. तो वो अगेन ही नॉट बीन आरटीएम, सो सॉरी टू गो आउट ऑन दैट रूट. बट उसके अलावा आई डोंट नो इफ देर इज एनीबडी हु इज एज स्ट्रेट अ पिक, क्योंकि बहुत बहुत मायने करता है कि आपका कोच क्या सोचा है. रिकी पॉन्टिंग के लिए वार्नर, मिच मार्श, ये सब ऑप्शंस वेर रिटर्न. तो मेरे लिए एक ही नाम है अभी के लिए, दैट इज रसिक सलाम. आई थिंक ही इज द गाय दैट दे शुड डेफिनेटली लुक टू यूज एन आरटीएम फॉर, क्योंकि ही इज अ फ्यूचर पोटेंशियल फॉर देम. बाकी मुकेश, ईशान, अगेन आई डोंट सी मतलब कि देम गेटिंग आरटीएम. तो मेरे हिसाब से रसिक सलाम शुड बी द वन नेम दैट दे रिटेन. बाकी का विल बी कंप्लीटली ऑन द कोचिंग सेटअप. ओके सुमेश. Yeah, I mean, देखते हैं. Let's come to options first. So, Pant, like Nikhil said, I mean, possibly हो तो सकता ही है. Other than that, Jake Fraser-McGuck, अगर वो ही Nikhil के अर्जुन है, वैसे already बहुत confusion है Nikhil पूरे market में. आपके किसी भी player को, random player को अर्जुन बुला के और confusion create ना ही करो तो अच्छा है. तो if JFM is the अर्जुन, तो maybe, I mean, obviously, yeah, JFM is a, I mean, he's a value pick for. I mean, whatever amount तो नहीं बोलूँगा, but फिर भी even in double digit crore is it's worth it. रही बात बोलर की, मेरे दिमाग में दो ही players थे, रसिक सलाम and even मुकेश कुमार, क्योंकि we all know कि how franchises think. मुकेश कुमार is in and around the Indian team, so stocks पड़ ही रहेंगे. So you never know if he's coming at a bargain, then they might opt for a right to match for Mukesh as well. But other than that, I don't see anyone. ओके निखिल ने जो बोला मैं उसी के ऊपर आने वाला था. एक्चुअली ऑक्शन में आई थिंक इन लोगों को कैप्टन देखने के लिए तो जरूर उतरना पड़ेगा, राइट? मतलब और ये एक्चुअली थॉट मेरे दिमाग में भी था कि शायद श्रेयस अय्यर वहां से निकल चुके हैं, मे बी वो श्रेयस दिल्ली कैपिटल्स श्रेयस अय्यर के लिए मतलब जा सकती है. ऑक्शन में इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कवर करना होगा इन लोगों को? भाई कैप्टन से बराबर तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपका पूरा स्ट्रेटेजी वहीं से डिसाइड होगा. क्योंकि आप जो भी कोर देख रहे हो, उस कोर में एक ऑलराउंडर है, एक आपका स्पिन बॉलर है, एक आपका मिडिल ऑर्डर बैटर है, और एक आपका आई वुड से बैकअप कीपर, बट गुड इनफ गाय टू बी योर कीपर. दिस स्टिल डजंट टेल यू इनफ अबाउट कैसा टाइप का आपको क्रिकेट खेलना है. क्योंकि देखो दिल्ली के लिए दैट इज बीन अ प्रॉब्लम सिंस अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, कि भाई कोटला पे खेल रहे हो तो कैसे खेलोगे, या कहीं और खेल रहे हो तो कैसे खेलोगे. तो जब कप्तान आएगा तो वो आपका एक बहुत अच्छा एक एड्रेस करेगा कि ठीक है ये हमारा लाइन ऑफ थॉट है. अब हेमंत बदानी की आप कोचिंग स्टैंड्स देखोगे तो उनके कुछ कुछ सेटअप्स में ऑलराउंडर्स पे काफी ज्यादा फोकस होता है. अब इस टीम में एक ही ऑलराउंडर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो आपको मेरे हिसाब से दिल्ली हैव केप्ट देयर ऑप्शंस वेरी ओपन. ऐसा मेरे हिसाब से आई डोंट दिल हैव देयर प्लान्स, बट आई थिंक दिल हैव इनफ रूम. क्योंकि जो कोर सीटन रिटेन किया है, दे कैन डू अ फ्यू थिंग्स. मतलब ऐसा कुछ एक ही तरीके की प्लेयर्स नहीं है आपके पास. एक अच्छा रिस्क स्पिनर है, एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और दो अच्छे टैलेंट है विद द बैट. सो आई थिंक देयर इज लॉस टू कवर, देयर इज ओपनर टू कवर, देयर इज कैप्टन टू कवर, देयर इज एंड ओवर्स बॉलिंग टू कवर. जैसे मैंने चेन्नई के लिए किया था, ये चार चीज तो फिर भी ओपन है. एंड ओवर बॉलर, ओपनर, और आपका मिडिल ऑर्डर तो सॉर्टेड, बट कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कौन? सुमेश, आर देयर एनी डिफरेंट थॉट्स या फिर यही है मोस्टली? हाँ यार, कैप्टन से पहले तो ओपनिंग चाहिए, क्योंकि गेम तो वहीं सेट होगा. ऑल्दो T20 में ओपनर्स ढूंढना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बट यहाँ पर हेडेक ये है कि अब उनको इंडियन ओपनर मिल पाना बहुत डिफिकल्ट है. तो यहीं पर आई वुड से कि श्रेयस अय्यर की जगह मे बी दे विल बी इंटरेस्टेड इन KL राहुल, कि भाई एक इंडियन बंदा तुमको ओपनर मिल रहा है. क्योंकि अगर तुमको दो ओवरसीज ओपनर घुसाने पड़े, सो देन योर 11 बिकम्स अ मेस. बिकॉज तुमको पता है कि इंडियन मार्केट में तुम्हें पेस बॉलिंग ऑलराउंडर कोई मिलेगा नहीं.
जो मिले हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं, जो हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं, फिर ओवरसीज पेस बॉलिंग ऑलराउंडर लाओगे, दो ओवरसीज ओपनर भी हैं, स्टब्स खेलेगा ही खेलेगा, यानी तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप में कोई ओवरसीज प्लेयर नहीं हो सकता। तो आई थिंक दिल्ली के लिए बहुत बड़ा हेडेक यही है। तो इफ आई एम इन देयर शूज आई वुड लुक फॉर एन ओपनर कैप्टन, इफ अगर एंड आई एक्चुअली फील कि पंत के लिए भी टू फाइंड दिस टी20 मोजो बैक, आइदर ओपनर और नंबर थ्री, नॉट बिलो दैट। Even if they get back Pant, they'll have to, might as well ask him to open. It might resurrect his T20 career on the whole. Apart from that, I mean, Indian circuit mein openers abhi bhi aisa ready-made hai nahi. They can use right to match for Prithvi Shaw. Humne wo option bhi rule out kar diya. But haan, for me, they need at least one solid Indian opener to avoid an headache of, you know, one-dimensional overseas players. मैं पर्सनली तो बहुत खुश हो जाऊंगा अगर केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल्स पिक करते तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।